हेलो स्टूडेंट्स, रचना क्रिएशन कच्ची से कलम तक में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं मिडाइवल हिस्ट्री, और मिडाइवल हिस्ट्री का टॉपिक है आज हमारा खिलजी वंश। तो खिलजी वंश में हम करेंगे अपने पुराने, जिस तरह से मैं सारी वीडियो करा रही हूँ उसी तरह से, दो किताब NCERT और बैक ईयर क्वेश्चन प्लस फॉरवर्ड लिंक क्वेश्चन। तो जो भी मैं फैक्ट्स बता रही हूँ वो समझ लीजिए कि वो बैक ईयर क्वेश्चन के आधार पर वो फैक्ट मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए कीवर्ड्स से शुरू करते हैं, कौन कौन से कीवर्ड्स से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और पूरे खिलजी वंश की कहानी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के साथ बताऊंगी। तो सबसे पहला है जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी से ये पांच कीवर्ड्स हैं जिससे बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, और आगे भी क्या क्या पूछे जाएंगे मैं इन कीवर्ड्स के थ्रू आपको बताती हूँ। तो आप अगर किसी भी प्री के एग्ज़ाम के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरी वीडियो सीरीज से जुड़ी रहिए, ताकि रोज़ 15 मिनट में आपका हर सब्जेक्ट खत्म हो सके। पूरा GS कवर करवा रही हूँ मैं। तो सबसे पहले 1290 जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 ईस्वी में खिलजी वंश की स्थापना की थी। तो खिलजी वंश की स्थापना कब हुई? 1290 ईस्वी में। इसके बाद इसने अपना राज्याभिषेक भी कराया 1290 में। तो 1290 इम्पॉर्टेंट हो गया। 1290 में इसने कैकुबाद द्वारा बनाए गए अपूर्ण जो था किलोखोरी, उसके महल को पूरा करवाया था। कैकुबाद अगला कीवर्ड हो गया आपके लिए इम्पॉर्टेंट। तो AL श्रीवास्तव जो है ना, आपने इतिहासकार का नाम सुना होगा AL श्रीवास्तव, उनके अनुसार जलालुद्दीन खिलजी जो था वो दिल्ली सल्तनत का, दिल्ली का प्रथम तुर्की सुल्तान था, जिसने उदार निरंकुशतावाद के आदर्श को अपने सामने रखा। तो अगर ये क्वेश्चन बनता है, ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके फॉरवर्ड लिंक पे, कि उदार निरंकुशतावाद की नींव दिल्ली सल्तनत में किसने रखी, तो इसका आंसर होगा जलालुद्दीन खिलजी ने रखी। इसके बाद अगला कीवर्ड है अमीर ए तुजुक। जलालुद्दीन जब दिल्ली का सुल्तान बना था तो उसने अलाउद्दीन को अमीर ए तुजुक का पद दिया, और अपनी पुत्री का विवाह अलाउद्दीन से करा दिया, इसलिए ये अमीर ए तुजुक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर इसके बाद अगला कीवर्ड है मलिक छज्जू। तो मलिक छज्जू के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने मलुक छत्री के विद्रोह को दबाने में भूमिका निभाई, और इससे उसको क्या प्राप्त हुआ? कड़ा मानिकपुर की सूबेदारी प्राप्त हो गई। तो ये हो गया जलालुद्दीन खिलजी से पूछे गए क्वेश्चन और पूछे जा सकने वाले क्वेश्चन। अब अगले कीवर्ड्स की तरफ देखते हैं। अगर आपको रोज़ इस तरह से 15 मिनट में पूरा GS कवर करना हो, वो भी दो किताब NCERT और बैक ईयर क्वेश्चन, तो मेरे चैनल के सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर लीजिए। फ्री ऑफ कॉस्ट है, सारी वीडियो अपडेट आपको रोज़ मिल जाएगी। अब अगला कीवर्ड यानी अगला इम्पॉर्टेंट सेक्शन क्या है? तो अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन बनता है तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अलाउद्दीन खिलजी से बनते हैं। तो क्या क्या कीवर्ड से लगातार क्वेश्चन बनते हैं उसके थ्रू मैं आपको पूरी कहानी बताती हूँ। सबसे पहले, जैसे अलाउद्दीन खिलजी राजा बना, तो अलाउद्दीन खिलजी जो है ना दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित कर दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आपके मेंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि धर्म पर राज्य स्थापित करने वाला पहला शासक था। इसके बाद उसने अपने आप को यामिन उल खिलाफत नासरी अमीर उल मुमलिन ये बताया। ये बहुत उच्च दर्जा देना होता अपने आप को, और वो अपने आप को उलेमा वर्ग, उलेमा क्या था? एक धार्मिक वर्ग था, उनके प्रभाव से अपने आप को मुक्त रखता था, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी एक महत्वाकांक्षी राजा तो था ही, शासक था, उसने सिकंदर सानी की उपाधि धारण कर ली, और उसे अपने सिक्कों पर भी अंकित करवा दिया सिकंदर सानी। अलाउद्दीन का जो ये उपाधि था इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, और अलाउद्दीन का जो प्रसिद्ध सेनापति था वो था जफर खान। तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है जफर खान, क्यों? क्योंकि मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए ये मारा गया था। किसके विरुद्ध? मंगोलों के विरुद्ध, और वो अपने समय का श्रेष्ठ और साहसी सेनापति था। तो जफर खान के शौर्य, भारतीय सेना के दृढ़ता से मंगोल इतने प्रभावित हुए कि उसी रात को 30 कोस पीछे हट गए और वापस चले गए। तो इसलिए जफर खान क्या हो गया आपके लिए? इम्पॉर्टेंट हो गया, क्यों? ये सेनापति तो था ही अलाउद्दीन खिलजी का, लेकिन मंगोलों के खिलाफ के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। इसके बाद चलते हैं अगली कहानी, चित्तौड़गढ़ की शुरू होती है। जो चित्तौड़ थे, चित्तौड़ में रानी थी पद्मिनी, आप लोगों ने फिल्म तो देखी ही होगी। चित्तौड़ के राजा राणा रतन सिंह की पत्नी थी।
अलाउद्दीन खिलजी के मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ पर आक्रमण के दौरान राणा रतन सिंह की मृत्यु हो जाने के कारण रानी पद्मिनी ने जौहर कर लिया। अब ये पद्मिनी, रानी पद्मिनी की जो कहानी है ये इसका सोर्स क्या है ये इम्पॉर्टेंट है। तो पद्मिनी की कहानी का आधार है 1540 में मलिक मोहम्मद जायसी की पुस्तक है पद्मावत, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, वो इसका सोर्स है। अब चलिए अलाउद्दीन खिलजी के शासन से जुड़े और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे जा चुके हैं या पूछे जा सकते हैं वो बताती हूँ। अब अगला इम्पॉर्टेंट है अलाउद्दीन खिलजी के चार अध्यादेश, ये मेंस के लिए और प्री दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। क्या है ये चार अध्यादेश? अलाउद्दीन के शासनकाल के प्रारंभ में बहुत सारे विद्रोह हो गए, ठीक है। इन विद्रोह के कारण पर विचार करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने डिसाइड किया कि इस विद्रोह को अब समाप्त करना है, और इसे समाप्त करने के लिए उसने चार अध्यादेश पारित कर दिए। सबसे पहला अध्यादेश के द्वारा उसने उपहार, पेंशन, दान, इसमें प्राप्त भूमि आदि व्यक्तियों से वापस ले ली गई और सरकारी अधिकारियों के सभी व्यक्तियों से आधिकारिक कर लेने का आदेश दिया गया। तो ये जो भी दान पेंशन या उसमें मिला था इसको वापस दे दिया गया, ठीक। अब दूसरा अध्यादेश क्या था? दूसरे अध्यादेश के अनुसार गुप्तचर विभाग बनाया गया, क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट था उस समय, ये विद्रोहों का पता लगने के लिए गुप्तचर विभाग का संगठन किया गया। तीसरा अध्यादेश के अनुसार मादक द्रव्य जैसे कि शराब, भांग इनका प्रयोग, जुआ खेलना, ये सब पे रोक लगा दी गई। और चौथा अध्यादेश द्वारा सरदार और अमीरों की दावत, विवाह संबंध, इन सब पे प्रतिबंध लगा दिया गया। ये हो गया अलाउद्दीन खिलजी के चार अध्यादेश। अब आगे अलाउद्दीन खिलजी के समय आक्रमण जो हुए वो आता है, इम्पोर्टेंट सेक्शन है। चार अध्यादेश को आप एक बार बुक में रीडिंग ज़रूर करिएगा। आपको मैंने मेनली चारों अध्यादेश से क्या क्वेश्चन पूछे गए वो बता दिया, बट आप ये हर वीडियो देखने के बाद एक बार फटाफट से बुक रीडिंग करिएगा तो आपको पूरा रिविज़न हो जाएगा। अब अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट कीवर्ड है जो भी खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी से रिलेटेड पूछता है, वो है देवगिरी। देवगिरी की पूरी कहानी पूरे कीवर्ड्स के थ्रू, ये वो कीवर्ड्स हैं जिनसे बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और इसी से आपको पूरी कहानी पता चलेगी। तो चलिए मैं आपको कहानी बताती हूँ। अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव। इसने अलाउद्दीन के सफल आक्रमण से बाध्य होकर, जब अलाउद्दीन ने आक्रमण किया कब? 1296 में। राजा कौन था? रामचंद्र देव। अब अलाउद्दीन का सफल आक्रमण देख के रामचंद्र देव ने क्या किया? एलिचपुर, एक जगह थी एलिचपुर, एलिचपुर की आय भेजने का वादा कर दिया कि मैं हर साल आपको एलिचपुर की जो भी आय है वो आपको भेज दिया करूँगा। अलाउद्दीन भी मान गया, लेकिन फिर क्या हुआ कि 1305 से 1306 वो उस कर को दिल्ली नहीं भेज पाया, एलिचपुर की आय को। अब इससे क्या हुआ, 1307 में अलाउद्दीन ने मलिक काफूर के नेतृत्व में एक सेना देवगिरी पे आक्रमण करने के लिए भेज दी और राजा रामचंद्र देव युद्ध में हार गए और आत्मसमर्पण कर दिया। अब अलाउद्दीन ने रामचंद्र के प्रति सम्मानपूर्ण व्यवहार के लिए उसको राय रायन की उपाधि दे दी। 6 माह के पश्चात उसको 1,00,000 सोने का टंका और एक जिला दिया, वो जिला था नवसारी। ये आपका फॉरवर्ड लिंक का क्वेश्चन है, ये सारे कीवर्ड्स पूछे जा चुके हैं और ये जो है ये आगे का क्वेश्चन है जो बन सकते हैं इसके बाद, और उसका राज्य भी वापस दे दिया। अब ये मलिक काफूर आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और आगे क्या क्वेश्चन बन सकता है वो मैं आपको बताती हूँ। मलिक काफूर को ना अलाउद्दीन ने गुजरात विजय के दौरान पाया था और इसको कहते हैं 1000 दिनारी कहा जाता है इसको, तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। और अगर आपको इसमें कुछ क्वेश्चंस नए लग रहे हैं और ये क्लास आपको इंटरेस्टिंग लग रही है तो वीडियो को सिर्फ लाइक ही मत करिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपके लिए कौन से क्वेश्चन बिल्कुल नए थे जो आपने नहीं पढ़ा, और कीवर्ड्स के थ्रू क्या आप पढ़ाई करते हैं। और अगर आपको अच्छी लग रही होगी ये वीडियो तो अपने फ्रेंड्स जो तैयारी कर रहे हैं उन लोग को भी ये लिंक फॉरवर्ड ज़रूर करिएगा। अब ये सारे अगले कीवर्ड जो हैं अलाउद्दीन से रिलेटेड बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और अगर आपको ये कीवर्ड्स याद रहेंगे तो आप प्री में भी सारे आंसर दे पाइएगा और मेंस में भी इन कीवर्ड्स के आधार पे अलाउद्दीन के बारे में एक अच्छा आंसर फॉर्मेट कर पाइएगा।
तो अलाउद्दीन खिलजी जो था ना, वो पहला सुल्तान था जिसने भूमि की पैमाइश करा करके लगान वसूल करना शुरू किया। दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। फिर उसने अपनी एक ऐसी व्यवस्था को लागू करने के लिए एक पृथक विभाग स्थापित कर दिया जिसका नाम रखा दीवान-ए-मुस्तखराज। इसके बाद अलाउद्दीन ने परंपरागत लगान पद्धति, लगान अधिकारी ये थे खुद मुकद्दम और चौधरी, ये लोग कौन थे, ये क्वेश्चन आपके लिए आगे बन सकता है। ये लगान अधिकारी थे, इनसे लगान वसूल करने का अधिकार ही छीन लिया और उनकी भूमि पर से कर लिया जाने लगा और बाकी अन्य सभी से भी कर लिए गए, जिसके कारण खुद मुकद्दम ये लोग में अब कोई अंतर नहीं रहा। मतलब नॉर्मल किसान और ये लगान वसूल करने वाले अधिकारी, ये दोनों सेम हो गए, दोनों में कोई खास अंतर नहीं रहा क्योंकि दोनों को ही लगान देना पड़ गया। इसके बाद अब अलाउद्दीन की जो राजस्व या लगान व्यवस्था थी ना, उसका मेन उद्देश्य था निरंकुश राज्य की स्थापना करना, ठीक है, ये आपके मेंस के लिए है। उसने उन सभी व्यक्तियों से भूमि छीन ली जिन्हें वो मिल्क, मिल्क क्या था ये कीवर्ड बहुत इम्पॉर्टेंट है, राज्य द्वारा भूमि संपत्ति इनाम पेंशन जो दिया जाता था वो मिल्क था। और वक्फ क्या था, धर्मार्थ प्राप्त हुआ भूमि, धर्म के उससे प्राप्त हुआ भूमि वक्फ होता था। तो ये जो मिल्क और वक्फ थे ना, इन सब का ये सब ख़त्म कर दिया, इसको विकसित होने ही नहीं दिया। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने उपज का 50% भूमि कर के रूप में निश्चित कर दिया। उस भूमि कर का नाम था खराज। तो बेसिकली अलाउद्दीन खिलजी भारत का पहला मुस्लिम शासक था जिसने भूमि की वास्तविक आय पर राजस्व निश्चित किया। तो ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, पहला शासक, मुस्लिम शासक जिसने भूमि की वास्तविक आय पर राजस्व निश्चित किया। ये सारे कीवर्ड्स को आप याद कर लीजिए तो आपको प्री में कोई भी आंसर गलत नहीं होगा और मेंस में भी बहुत अच्छा आंसर आप लिख पाइएगा। अब अगला, ये लास्ट कीवर्ड्स हैं जो कि और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले अलाउद्दीन ने बाज़ार नियंत्रण या मूल्य नियंत्रण की नीति लागू की, पूछा जा चुका है कई बार क्वेश्चन, और उसने अपने बाज़ार नियंत्रण की सफलता के लिए कुशल कर्मचारी नियुक्त किए थे। उसने मलिक कबूल को, ये है मलिक कबूल, मलिक कबूल को शहना या बाज़ार का अधीक्षक नियुक्त किया। तो शहना क्या था, ये आगे के लिए इम्पॉर्टेंट है, इसको कहते थे बाज़ार, शहना या बाज़ार का अधीक्षक नियुक्त किया मलिक कबूल को। और बर्नी जो है ना, बर्नी एक इतिहासकार है, आपने पढ़ा होगा, इन बाज़ारों में सुधारों का उद्देश्य मंगोलों के विरुद्ध एक विशाल सेना तैयार करना और हिंदू के विरुद्ध के विचार को पनपने नहीं देना बताते। मतलब उसका मानना था बर्नी का कि अलाउद्दीन खिलजी ने ये बाज़ार नियंत्रण बेसिकली मंगोल और हिंदू दोनों के खिलाफ व्यवस्था बनाने के लिए की थी। इसके बाद सल्तनतकालीन शासक अलाउद्दीन खिलजी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली जिसे बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए, इसको शुरू किया। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाए गए दो नए कर थे, ये थे घरी कर और चराई कर। घरी कर जो था घरों और झोपड़ियों पे, और चराई कर जो है वो दुधारी पशुओं पर लगाया जाता था। इसके बाद अगला इम्पॉर्टेंट है आपके लिए सिंधु नदी, क्यों, क्योंकि 1306 में अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली सल्तनत और मंगोल के बीच की सीमा थी सिंधु नदी, और सुल्तान गियासुद्दीन तुगलक के समय में मुगल के नेतृत्व में, शीर मुगल नाम था, मंगोल सेना ने सिंधु को पार कर लिया। लेकिन समाना का सूबेदार जो था ना, मलिक शादी, उसने उन्हें हरा दिया और मुबारक खिलजी ने स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया। और इसके बाद उसने उपाधियां धारण कर ली जबकि वो अयोग्य था, लेकिन तब भी। और धीरे धीरे इस तरह से खिलजी वंश का अगला शासक आ गया और अपने नाम का खुतबा भी पढ़ाया उसने, पैगंबर का सेनापति की उपाधि धारण की, और इस्लाम का शत्रु और इस्लाम खतरे में ये सब नारा भी दिया। इस तरह से खिलजी वंश के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बैक ईयर क्वेश्चन मैंने सारा कवर करा दिया। अब बैक ईयर क्वेश्चन किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को उठा के देखिए, आपके सारे आंसर आपके कवर हो गए होंगे। फॉरवर्ड लिंक क्वेश्चन क्या आ सकता है ये भी कवर करा दिया, NCERT के सारे फैक्ट कवर करवा दिए और +2 बुक्स करवा दिया। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखा करिए, सिर्फ 15 मिनट में आप एक टॉपिक पूरी तरह से कवर कर लेते हैं। और सॉरी फॉर द इंटरप्शन, बैकग्राउंड में अगर थोड़ी सी आवाज़ आ रही होगी
क्योंकि जहाँ पे मैं क्लास ले रही हूँ वहाँ पे थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, लेकिन आप लोग की क्लास ब्रेक ना हो इसलिए मैंने क्लास ले ली है। थैंक्स फॉर वॉचिंग रचनास क्रिएशन, करछी से कलम तक।